मिट्टू तोते के घोंसले से हर रोज भोजन चोरी हो जाता था। मिट्टू तोता बहुत परेशान था। मैं सारा सारा दिन मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ, उस चोर ने भी मेरा ही घोंसला देख लिया है, हर रोज मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है, मगर अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिट्टू तोता बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल बुलबुल, मुझे कोई ऐसी दवा दो जिससे पेट में दर्द हो। बुलबुल हंसने लग जाती है। पेट में दर्द रोकने वाली दवा तो सभी लेने आते हैं, मगर मिट्टू तुम पेट में दर्द करने वाली दवा लेने आई हो। मैं तंग आ गया हूँ उस चोर से। एक दिन नहीं, हर दिन ही मेरे घोंसले से भोजन चोरी हो जाता है। कालू कालू जी, वो मोटी चोंच वाला ऐसे ऐसे मुंह खोल के सोता है, वो तो सोया हुआ ऐसे होता है जैसे मरा हुआ हो। मैं निश्चिंत होकर उसका भोजन खाती हूँ और उसे पता ही नहीं चलता। मैंने तुम्हें पिछले दिन भी मना किया था, जिस दिन पकड़ी गई तो वो अपनी तेज चोंच से तुम्हारे पंखे काट देगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। जितना भी शोर हो, वो तो ऐसे सोता है के उठता ही नहीं। आज रात मिट्टू तोते ने भी अपना जाल बिछा दिया था। मिट्टू तोते ने पके हुए आम पर बुलबुल से लाई हुई दवा लगाकर उसे घोंसले के पास रख दिया था। अब जो भी ये आम खाएगा, सारी जिंदगी याद रखेगा कि किसी के घोंसले से भोजन चोरी नहीं करते। मिट्टू तोता छोट मोट की आंखें बंद करके सो जाता है। गौरी कभी काली जरूर थी, मगर चांदनी रात में वो दूर से ही नजर आ रही थी। मोटी चोंच वाला कैसे सोया हुआ है, कितना बुरा लगता है जब ये ऐसे बंदर की तरह मुंह खोलकर सोता है। आज तो पका हुआ आम लाया है मोटी चोंच वाला। मिट्टू भी एक आंख खोलकर गौरी कभी को देख लेता है। गौरी मजे मजे से मिट्टू का आम खा लेती है। पेट तो भर गया, अब घर जाकर आराम से सोती हूँ। गौरी अपने घर चली जाती है। आराम से तो आज नहीं सोने वाली। काली कभी अब आएगा तुझे चोरी का मजा। गौरी कभी अभी घर पहुंची ही थी कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आम तो मीठा था, फिर मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गई है? आहिस्ता आहिस्ता गौरी के पेट की दर्द बढ़ जाती है और वो रोने लगती है। हाय हाय, मर गई। कालू कालू उठो, मुझे देखो, मैं मर रही हूँ। कालू भी उठ जाता है। आज कहाँ गई थी और क्या खा कर आई हो? उस मोटी चोंच वाले के घोंसले से पका हुआ आम खाया है। ना जाने आम खाने के बाद क्या हुआ, मेरा दिल घबरा रहा है और पेट में भी बहुत दर्द है। गौरी तो पेट दर्द से उछलने लगती है। जब मैं मर जाऊंगी तो फिर घर से निकलोगे? जाओ जाओ, कुछ करो, मैं मर जाऊंगी। कालू कुछ करो, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। चिड़िया चिड़िया के पास जाओ और पेट दर्द की दवा पूछ कर आओ। कालू अपने घर से निकलता है और चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। चिड़िया घर से बाहर आती है। कौवे भैया, क्या हुआ, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? गौरी के पेट में बहुत दर्द है, क्या तुम्हारे पास पेट दर्द की दवा है? नहीं कालू भैया, मेरे पास तो दवा नहीं है। मगर उसने खाया क्या है? एक पका हुआ आम खाया है। पूछाती है, अगर गौरी कभी तो पेट दर्द से मर रही थी। गौरी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, कभी वो इधर जाती तो कभी उधर। कालू भी आ जाता है। नहीं है, चिड़िया के पास भी दवा नहीं है और बुलबुल भी घर में नहीं है, तो क्या मैं मर जाऊंगी? गौरी, अब तोते को सच बताना होगा। तोता ही बताएगा कि उस आम में ऐसी क्या बात थी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू जाओ, एक बार उस मोटी चोंच वाले तोते से पूछ कर आओ। फिर कालू कौवा तोते के पास जाता है। तोता दूर से ही कालू कौवा को आता हुआ देखकर हंसने लग जाता है।
रोज चोरी अब रो रही होगी तुम्हारी पत्नी। मैंने भी उसे आज ऐसी सजा दी है कि सारी उम्र याद रखेगी। तोते वो मर जाएगी, वो दर्द से रो रही है। प्लीज बता दो तुमने आम पर क्या लगाया हुआ था। नहीं बताऊंगा, पहले उससे कहो मुझसे आकर माफी मांगे और दोबारा मेरा भोजन ना चोरी करने का वादा करे, फिर देखूंगा। कालू जल्दी जल्दी से घर जाता है। मुझे पहले ही शक था वो तोता इतना भी पागल नहीं है। उसने आम पर कुछ लगाया हुआ था जिसे खाने से तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया। कालू अब मैं कैसे ठीक होऊंगी, प्लीज मुझे बचा लो। वो कहता है कि गौरी आकर मुझसे माफी मांगेगी तो फिर ही मैं बताऊंगा उसके पेट का दर्द कैसे दूर होगा। मुझे ले जाओ, मैं पांव पकड़ लूंगी अपने तोते भैया के। फिर कालू कौवा गौरी को साथ ले जाता है। तोते मेरे सुंदर भाई, अपनी बहन गौरी को बचा लो, मैं दर्द से मर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो मोटी चोंच वाला हूँ और मैं मुंह खोलकर ऐसे सोता हूँ जैसे बंदर सोता है। मैंने जो कहा जो किया मुझे माफ कर दो। मैं पांव पकड़ती हूँ तुम्हारे, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगी। फिर तोता गौरी से कहता है, लाओ अपना मुंह खोलो। गौरी मुंह खोलती है और तोता पेट का दर्द रोकने वाली दवा के दो कतरे गौरी के मुंह में डाल देता है जिससे गौरी के पेट का दर्द रुक जाता है। गौरी अब घर चलो और फिर कभी चोरी ना करना। तोते भाई दोबारा दर्द तो नहीं होगा, अगर चोरी नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा। फिर गौरी कभी अपने घर चली जाती है और आइंदा से चोरी ना करने का वादा करती। माँ चिड़िया अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए लेके जा रही थी। कुकु बेटा, आज मैं आपको उड़ना सिखाऊंगी। आपने मेरी बातों पर अमल करना है, जैसे मैं बोलूं वैसे ही करना है। मम्मा मुझे बहुत डर लगता है, मैं उड़ना नहीं सीखना चाहता, आप मुझे दाना ला दिया करे ना। कुकु बेटा, ऊपर वाले ने पक्षियों को पंख उड़ने के लिए ही तो दिए हैं। बस आपने कभी नीचे नहीं देखना, जंप लगाना है उसके बाद अपने पंख फड़फड़ाने हैं। देखना किस तरह उड़ने लगोगे तुम। मम्मा मैं नहीं जाना चाहता, मैं बहुत डरता हूँ, अगर मैं गिर गया मैं तो मर जाऊंगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को बहलाती है और फिर उसको एक फूलों की टोकरी में रखती है। उस टोकरी में उठाकर एक बड़े सारे पेड़ पर ले जाती है। पेड़ पे बैठे हुए कुकू को बहुत डर लग रहा था। कुकू बेटा, अब आपने नीचे की ओर नहीं देखना, बस सामने देखना है। जैसे ही मैं 1 2 3 करूं, आपने कूद जाना है। मम्मा पेड़ बहुत ऊंचा है, मैं गिर गया तो मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। कुकू बेटा, ऊपर वाले से उम्मीद अच्छी रखते हैं, ऐसी बातें नहीं सोचते। चलो मैं अब गिनती कर रही हूँ, आपने कूद जाना है। 1 2 3 गो। कुकू कूद जाओ, कूद जाओ कुकू। कुकू बेटा, अपनी मम्मा का कहा मानो। पर कुकू तो इतना डरा हुआ था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। बार बार राना चिड़िया के कहने पर वो कभी आगे की तरफ छलांग लगाता तो कभी पीछे की तरफ लगाता। देखो कुकू, अगर तुम नहीं उड़ोगी तो दाना भोजन कैसे करोगे। उम्र भर का साथ मेरा तो नहीं है, एक ना एक दिन मैंने मर जाना है, फिर कौन तुम्हें दाना ला कर देगा। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनते कुकू छलांग लगा देता है, पर वो अपनी माँ की बात नहीं मानता। वो ऊपर की तरफ नहीं देखता, वो नीचे देखता है और गिरने लग जाता है। मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा मैं गिर रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा, मम्मा बचाओ। फिर रानो चिड़िया जल्दी से कूदती है और अपने बेटे को अपनी पीठ पर बिठा लेती है, उसे गिरने से बचा लेती है। फिर मम्मा चिड़िया निराश होकर उसी टोकरी में रखकर उसको घर वापस ले आती है। कुकू बेटा, आप आज भी नहीं उड़े हो, क्या बनेगा आपका। आप अपनी मम्मा की बात क्यों नहीं मान लेते। मम्मा मैंने जैसे ही जंप लगाया मुझे तो चक्कर आने लग गए थे, मैं तो गिरने वाला हो गया था। ये तो आपने मुझे बचा लिया है, वरना मैं तो सीधा ऊपर जा रहा था। मम्मा चिड़िया
बहुत परेशान थी कि उसका बेटा कब उड़ना सीखेगा। कुकू बेटा, मैं भोजन लेने जा रही हूँ, अब तुम सोच लेना कि तुमने उड़ना है या फिर नहीं उड़ना। मम्मा चिड़िया भोजन की खोज के लिए निकलती है, रास्ते में उसे घोड़ी कभी रोक लेती है। चिड़िया, तुम्हारे बेटे कुकू ने अभी तक उड़ना नहीं सीखा है क्या? थोड़ी बहन, ना जाने उसे क्या हो गया है, वो ऊपर की ओर उड़ना ही नहीं चाहता, ऊंचाई से बहुत डरने लग गया है वो। मेरा बेटा तो कब से उड़ रहा है, दोनों की उम्र तो सेम है। देखो जग्गू बेटा, जरा अपनी चिड़िया आंटी को उड़ के दिखाना। फिर जग्गू एक छलांग लगाता है, दूर ऊंचाई में उड़ने लग जाता है। माँ चिड़िया तो और ज्यादा चिंतित हो जाती है। चिड़िया मेरी बात मानो, तुम अपने बेटे कुकू के सामने बीमारी का बहाना बना लो, उसको खाने के लिए भोजन नहीं ला के दिया करो। गोरी, आप भी बातें करती हो, भला एक माँ कैसे अपने बच्चे को भूखा रख सकती है। चिड़िया, बात भूखा रखने की नहीं है, बात उसे उड़ना सिखाने की है, वरना वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। तुम बीमारी का बहाना बना कर सो जाना, फिर देखना तुम्हारा बेटा कैसे मजबूरी में उड़ना सीखता है। फिर मम्मा चिड़िया घर आ जाती है, वो कुकू को खाना देती है, कुकू वो खाना खाकर सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है, माँ चिड़िया आज अपने घोंसले से नहीं उठी थी। मम्मा, आज आप सोई हुई क्यों हैं? आज आपने भोजन लेने नहीं जाना क्या? बेटा कुकू, आज मेरे सर में बहुत दर्द है, साथ में तेज बुखार भी है, मैं तो नहीं उठ सकूंगी और ना ही भोजन लेकर आ सकूंगी। क्या होता अगर मेरा बेटा कुकू उड़ना सीख लेता, वो उस दिन सीख लेता, उड़ान भर लेता, तो आज उसकी मम्मा भूखी ना होती, तो मेरे लिए भोजन तो ला सकते थे ना। मम्मा, मुझे बहुत डर लगता है उड़ने से, मैं क्या करूं? मैं देखता हूं नीचे और मुझे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। मेरा बेटा उड़ना सीख गया होता, ज्यादा नहीं तो अपनी नानों को तो बुला कर आता, वो ही आकर मेरी देखभाल कर लेती। फिर कुकू बहुत परेशान हो जाता है, उसे अपनी माँ की हालत तो देखी ही नहीं जा रही। वो डरते डरते अपने घर के बाहर आता है। वो बाहर आकर देखता है कि उसकी उम्र से छोटा मिठू तोता और फिर उसका हम उम्र चक्कू दोनों उड़ रहे थे। उसको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है कि ये उड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। माँ चिड़िया अपने बेटे को खिड़की से बुलाती है, कुकू कुकू बेटा, उड़ान भरो, जल्दी से उड़ जाओ, नीचे नहीं देखना, सामने देखना है और अपने पंख फड़फड़ाने हैं। फिर कुकू बिना सोचे समझे जंप लगा देता है, इस बार वो नीचे नहीं देखता बल्कि वो सामने देखता है और अपने पंख फड़फड़ाता है। उसी ही समय कुकू तो उड़ रहा था। मम्मा मम्मा, मैं उड़ना सीख गया, देखी मैं उड़ रहा हूँ, इस बार मैं नीचे नहीं गिरा हूँ। फिर कुकू उड़ने लगता है, कभी इधर तो कभी उधर। माँ चिड़िया अपने बेटे को खिड़की से देख रही थी। शाबाश मेरा बेटा कुकू, अब जल्दी से अपनी नानों को बुला कर लाइए। फिर कुकू तेज उड़ने लगता है, वो कुछ ही समय में अपनी नानों के घर पहुंच जाता है। नानो नानो, मैं उड़ते हुए आया हूँ। हाँ, मैं भी देख रही थी कि मेरा बेटा तो उड़ते हुए आ रहा है, कितनी ऊंची उड़ान है तुम्हारी। नानो, मेरी मामा बहुत बीमार है और वो आप बुला रही हैं। फिर नानो भी उसके साथ उड़ने लगती है। नानो तो पीछे थी पर कुकू आगे आगे उड़ रहा था। फिर कुछ ही समय में नानो और कुकू घर पहुँच जाते हैं। मम्मा चिड़िया तो ठीक ठाक उठी बैठी थी। मम्मा, क्या आप ठीक हो गई हैं क्या? आपका बुखार और सर दर्द कहाँ गया है? कुकू बेटा, वो तो मैंने आपको उड़ान सिखाने के लिए एक तरकीब लड़ाई थी, ये उपाय मुझे गोरी बहन ने दी थी और ये उपाय काम कर गई है। क्या मम्मा, आपने ये उपाय मुझे उड़ाने के लिए की थी? मेरी मम्मा कितनी अच्छी है, वो मेरे लिए ही सोचती रहती है। कुकू बेटा, आपकी मम्मा को भी उड़ान सिखाने के लिए मैंने यही उपाय किया था। नानो की ये बात सुनते हुए मम्मा चिड़िया कुकू और नानो, जब चील मम्मा चिड़िया को खा जाती है तो उसकी छोटी सी बेटी गुड़िया बहुत रोती है। मम्मा उठें, मुझसे बात करें। मम्मा मम्मा, आप बोल क्यों नहीं रही हैं? मम्मा मम्मा। चिड़िया के पड़ोसी
गौरी कभी वहाँ आ जाती है। चुप कर जाओ गुड़िया बेटी, आपकी मम्मा मर गई हैं। अब ये कभी बात नहीं करेंगी। फिर गौरी कभी छोटी सी चिड़िया को उसके नानों के पास छोड़ आती है, जो अपनी नवासी का पालन पोषण करती है। गुड़िया बेटी, अब घर से बाहर मत जाना, मैं अमरूद बेचने जा रही हूँ। बूढ़े नानों में इतनी हिम्मत तो ना थी, मगर वो क्या करती, उसे अपने साथ साथ अपने नवासी का भी पेट भरना था, इसलिए उसे काम तो करना ही था। वो शाम तक बैठी रहती है, मगर कोई भी पक्षी उसके अमरूद खाने नहीं आता। तोते तोते बेटा, मेरे अमरूद खाकर देखो, बहुत मजे के हैं। नहीं माँ जी, इस जंगल में अमरूद किसी को भी पसंद नहीं है, आप ये कहीं और जाकर बेचें। तोता वहाँ से चला जाता है। बूढ़ी नानो अपनी टोकरी उठाकर नदी के पास चली जाती है और वहाँ बैठकर खुद से बातें करने लग जाती है। ऊपर वाले, मैं क्या करूँ, तू ही बता, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कोई काम भी नहीं कर सकती, मैं कैसे अपनी छोटी सी नवासी का पालन पोषण करूँ। कोई भी पक्षी ऐसा नहीं है जो मेरे अमरूद खरीदे। ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ एक कबूतर बूढ़ी नानो की बातें सुन रहा था। फिर जब बूढ़ी माँ उड़ती है तो कबूतर उसके पीछे पीछे उड़ता है। कबूतर नानो के घर के बाहर खिड़की से बातें सुनने लगता है। नानो नाना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, खाना कहाँ है? लो बेटी, आज फिर आप ये अमरूद ही खा लो, मेरे पास खाना लाने के लिए पैसे नहीं थे, मुझे इस बूढ़ी माँ की मदद करनी होगी। ऐसा सोचकर कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरे दिन जब बूढ़ी माँ अपने अमरूद बेचने जाती है तो कबूतर उसके पास आता है। माँ जी, आप क्या बेच रही है? बेटा, मैं अमरूद बेच रही हूँ। माँ जी, मुझे 6 किलो अमरूद दे दें। मगर बेटा, मेरे पास तो सिर्फ 2 किलो अमरूद ही हैं। जितने हैं आप उतने ही दे दें। फिर कबूतर बूढ़ी नानों से सारे ही अमरूद खरीद लेता है। माँ जी, कल से आप ज्यादा अमरूद लेकर आया करें, ऐसे आपको मुनाफा भी ज्यादा होगा। फिर उस दिन बूढ़ी नानो अपने गुड़िया के लिए खाना लेती है। नानो नानो, क्या आज फिर मुझे अमरूद ही खाने होंगे? देखो देखो, मैं आज अपनी नवासी के लिए क्या लाई हूँ। अपने सामने इतना सारा खाना देखकर गुड़िया खुश हो जाती है और जी भर कर खाना खाती है। अगले दिन बूढ़ी नानो कुछ ज्यादा अमरूद लेकर जाती है। कबूतर फिर से उस बूढ़ी नानो के सारे ही अमरूद खरीद लेता है। बेटा, आप इतने सारे अमरूद का क्या करते हो? माँ जी, हमारे जंगल में अमरूदों के पेड़ नहीं हैं, इसलिए मैं अमरूद ले जाकर दूसरे पक्षियों को देता हूँ। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है और बूढ़ी नानो खुशी खुशी अपनी नवासी के लिए खाना लेने चली जाती है। सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं और कबूतर बच्चों में वो सारे अमरूद बांट देता है। प्यारे दोस्तों, कुछ चीजें बगैर जरूरत के भी खरीद लिया करें, क्योंकि ऐसे किसी की जरूरत पूरी हो जाती है। गोरी कभी हरियाली तोते के पास जाती है। हरियाली हरियाली, मैं दाना लेने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। गोरी, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम हर समय ही दाना बांटने पर लड़ाई शुरू कर देती हो। ना ना, मैं लड़ाई नहीं करूँगी, जो भी दाना मिलेगा वो हम दोनों बांट लेंगे आपस में, तो फिर लड़ाई कैसी। हरियाली तोती मान जाती है, वो गोरी कवि के साथ दाना लेने चली जाती है। घने जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे हरियाली तोती को चने का पौधा दिखाई देता है। वो देखो, वो रहा चने का दाना। फिर गोरी और हरियाली तोती उस चने के पौधे के पास चली जाती है। हरियाली, मैं तो थक गई हूँ, ये चने का दाना मैं ले जाती हूँ, और आगे से जो भी भोजन मिलेगा वो तुम अपने घर ले जाना। ना ना गोरी, ये तो तुमने ही कहा था ना कि जो भी दाना मिलेगा वो हम आधा आधा कर लेंगी, अब हम ये चने के पौधे से जितने भी चने हैं हम आधे आधे कर लेती हैं।
हरियाली, हो सकता है तुम्हें आगे जाकर कोई मीठा फल मिल जाए, इसलिए मैं ये चने का दाना लेकर जा रही हूँ। फिर कोरी कभी वो दाना लेकर चली जाती है। ये फ्रॉडन कभी बहुत बुरी है, ये हमेशा ही दूसरे पक्षियों को उल्लू बनाती है। हरियाली आगे बढ़ती है, वो बेचारी सारा दिन जंगल में फिरती है पर उसको खाने की कोई चीज नहीं मिलती। आखिरकार उसे घर भूखा ही लौटना पड़ता है। अगले दिन सुबह ही सुबह गोरी कवि चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया चलो दाना लेने चले। गोरी तुम दाना बांटते समय लड़ाई शुरू कर देती हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ना ना चिड़िया, अब मैंने खुद को बदल लिया है, अब मैं किसी से भी लड़ाई नहीं करती। हम दोनों को जो भी दाना मिलेगा वो हम दोनों मिलकर खा लेंगी। चिड़िया मान जाती है, वो गोरी कवि के साथ दाना लेने चली जाती है। गोरी कवि और चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाती है। एक मकई का पौधा जिस पर दो भुट्टे लगे हुए थे, चिड़िया उस पौधे को देख लेती है। गोरी गोरी वो देखो, वो मकई का पौधा है, हम वहाँ चली जाती हैं। गोरी कवि और चिड़िया दोनों मकई के पौधों के पास पहुँच जाती हैं। फिर कोरी मन ही मन में बातें करना शुरू हो जाती है। मकई का भुट्टा तो मुझे बहुत पसंद है, मैं कैसे एक भुट्टा चिड़िया को दे दूँ और एक भुट्टा घर ले जाऊँ। गोरी ये क्या सोच रही हो, चलो दो मकई के भुट्टे हैं, एक तुम ले लो और एक मैं अपने घर ले जाती हूँ। चिड़िया मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की थी, ये दोनों मकई के भुट्टे मैं ले लेती हूँ, जब अगली बार इस पौधे पर मकई के भुट्टे लगेंगे वो तुम ले लेना। ये सुनकर चिड़िया तो बहुत हैरान हो जाती है। गोरी ये तुम क्या कह रही हो, तुम मुझे यहाँ से भुट्टा दे दो, अब इस पौधे पर पूरे 3 महीने के बाद ही भुट्टा लगेगा। माफ करना चिड़िया, ये तो नहीं हो सकता। गोरी दोनों मकई के भुट्टे तोड़कर वापस घर को चली जाती है। इस काली कवि का मैं दोबारा कभी विश्वास नहीं करूंगी। फिर चिड़िया अपना दाना लेने के लिए आगे बढ़ती है। जग्गू जग्गू बेटा, ये लो मकई का भुट्टा, ये मकई का भुट्टा खा लो। मम्मा मम्मा, आप रोजाना कैसे इतनी अच्छी चीजें लेकर आ जाती हैं? जग्गू बेटा, तुम्हारी मम्मा बहुत चालाक है, जब तक ये जंगल के अहमक पक्षी जिंदा हैं, तब तक गोरी भूखी नहीं रह सकती। एक दिन गोरी बैठी हुई थी कि कबूतर अपना मीठा फल लेकर जा रहा था। गोरी कवि कबूतर को आवाज देती है, कबूतर कबूतर जरा मेरे पास आना। कबूतर तुझे पता है कि नदी के पास तो पके हुए केले हैं, क्या तुम मेरे साथ वो पके हुए केले लेने चलते हो? केलों का सुनकर कबूतर के मुंह से पानी निकल आता है। हाँ हाँ चलते हैं, मैं ये मीठा फल अपने घर रख के आता हूँ। छोटा सा तो फल है, ये फल मुझे दे दो, मैं खा लेती हूँ, फिर हम दोनों बाद में वो केले तोड़ने चलते हैं। कबूतर वो फल खुशी खुशी गोरी को दे देता है। गोरी वो फल खाने लग जाती है। फल खाने के बाद गोरी कवि कबूतर से कहती है, गंदी आंखों वाले, अगर वहाँ पर केले होते तो मैं ना खा लेती, मैं क्यों तुमसे मीठा फल मांग के खाती। ऐसा कहती हुई गोरी वहाँ से चली जाती है और कबूतर गोरी को उड़ता हुआ देखता रह जाता है। पर अब सारे पक्षी गोरी कवि से बहुत तंग आ गए थे। एक दिन वो जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे जमा होते हैं। कोई भी पक्षी अब गोरी के साथ भोजन लेने नहीं जाएगा, वो हम सबको पागल समझती है। सुन लो सारे पक्षी सुन लो, आज के बाद गोरी कवि के आसपास कोई नहीं भटकेगा। उस दिन के बाद गोरी कवि के साथ कोई भी भोजन लेने नहीं जाता। गोरी को तो भोजन तलाश करना आता ही नहीं था, इसीलिए गोरी को हमेशा भूखा ही घर वापस जाना पड़ता था। कबूतर कबूतर मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, हम दाना लेने चलते हैं। ना ना मैं नहीं जा सकता, तुम धोखेबाज हो। तोते तोते मेरे भाई, मेरे साथ आ जाओ, हम दाना लेने चलते हैं। पर तोता भी वहाँ से उड़ जाता है। ऐसे गोरी कवि को कोई भी पक्षी मुंह नहीं लगाता। इस तरह गोरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता।